इसकी तो बुआई इन्होंने किया है, ये कम से कम 5 से 6 सेंटीमीटर के गहराव में इसका बीज डाला हुआ है इन्होंने। और ये देख आप देख सकते हैं, ये पौधे से पौधे की दूरी वो देखिए, ये 25 से 30 सेंटीमीटर है और नाली से दूसरी नाली के भी 50 से 60 सेंटीमीटर है। साथियों, फार्मर द जर्नलिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। मैं जमील अहमद सुल्तानपुर से, फार्मर द जर्नलिस्ट। आज हम अरबी के खेत में आए हुए हैं, अरबी के साथ कोई फसली खेती भी किए हैं। अभी हम आपको बताते हैं, दिखाते हैं, इसकी जानकारी जितना हमारे पास है उतना देते हैं, बाकी किसान भी ने जो किया हो उसको भी आप लोग देखेंगे। जी साथियों, ये आप देख सकते हैं, ये अरबी की खेती किया हुआ है, साथ में सही फसली धनिया, अभी धनिया का जमाव नहीं हुआ है, तो अरबी की खेती ये किए हुए हैं। और इधर से दिखाओ जरा सा, ये इधर उधर, ये देखो जमाव है। ये इन्होंने फरवरी लास्ट में इसका जो है बुआई किया था, देख ले कि तो बिल्कुल नाली द्वारा किया हुआ है। तो अब वो आप लोग बता दें कि इसमें जो है ये इसकी तो बुआई इन्होंने किया है, ये कम से कम 5 से 6 सेंटीमीटर के गहराव में इसका बीज डाला हुआ है इन्होंने। और ये देख आप देख सकते हैं, ये पौधे से पौधे की दूरी वो देखिए, ये 25 से 30 सेंटीमीटर है और नाली से दूसरी नाली के भी 50 से 60 सेंटीमीटर है, 17 सेंटीमीटर में कुल मिला के अंदाज से करा है, इस हिसाब से इनको बताया गया था, उस हिसाब से भाई कम ज़्यादा भी हुआ होगा, लेकिन मेरा सही शेड्यूल इसका ही बनता है। और बहरहाल ये अब सब किसान अपने अपने लोकल एरिया के हिसाब से काम करें इसको। और वराइटियाँ तो इसमें बहुत हैं, जैसे सहस्रपुरी है, नरेन अरबी है, सहस्रमुखी जो है वो भी है, लेकिन जो है नरेन अरबी के हमारे यहाँ नरेंद्र यूनिवर्सिटी नज़दीक पड़ता है, तो यही से लोग बाग ज़्यादा ले लेते हैं, नरेंद्र भी है। अच्छा, सबसे पहले क्या करें कि इसका जो है इसमें बीजों को बावस्टीन या MZ72 से इसको उपचारित जरूर करना चाहिए। और बीज भाई, बीज का ऐसा है कि बीज तो स्वस्थ होना चाहिए, और जिस साइज का अरबी खाते हैं हम लोग, उसी साइज का बीज अगर होगा, ज़्यादा चला बीज का वेट भी कम से कम 25 से 30 ग्राम होना चाहिए। और इसके लिए रेतीली दोमट ज़्यादा अच्छा है। और बहरहाल अभी इसमें रही बात बीज की, तो बीज जो है इसमें ये मान के चलिए कि 1 एकड़ में करीब 6.5-7 क्विंटल कम से कम लग जाएगा। तो अगर मार्च में आपने इसकी खेती किया हुआ है तो जुलाई तक आराम से जो है ये जुलाई तक आराम से खेत आवा खाली हो जाएगा और अच्छा रेट मिल जाएगा। अब चाहे इसको स्टोर करें, चाहे इसको बेचें मंडी में, चाहे जैसे करें, कुल मिला करके अच्छी इनकम आप लोग ले सकते हैं। तो साथियों, ये हम छोटी जानकारी दे रहे हैं, और जानकारी के लिए अपने अपने नज़दीकी उद्यान विभाग या किसी के अच्छा रहेगा। हमारे पास जो जानकारी हमारे पास है, जो हम बता सकते हैं वो हम आप लोगों को बता रहे हैं। और बाकी खेती बढ़िया है, उसके बाद आप लोग आराम से धान की खेती कर सकते हैं। तो साथियों, जय हिंद, जय भारत।